फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को हम बताने वाले हैं यूट्यूब के 5 ऐसे खतरनाक सेटिंग्स के बारे में जिसके बारे में आपको जानना अवश्य है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सेटिंग्स नहीं जानते तो बिल्कुल खराब बात है, बिल्कुल गलत बात है अगर आप ये सेटिंग्स नहीं जानते। तो चलिए दोस्तों, आखिर वो कौन कौन से सेटिंग्स है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप किसी भी व्यक्ति के स्मार्टफोन को, यानी कि स्मार्टफोन को लेते हैं, किसी व्यक्ति के स्मार्टफोन को आप लेते हैं, तो उस वक्त ये होता है कि आप सोचते हो कि जिस व्यक्ति के स्मार्टफोन में मैं कोई वीडियो प्ले कर रहा हूँ उसमें कोई सर्च हिस्ट्री ना शो हो। तो इसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ आपको चैनल के लोगों पर क्लिक करना है, जिस व्यक्ति का आप स्मार्टफोन लीजिए उसके चैनल के लोगों पर क्लिक कीजिए। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर टर्न ऑन इग्नोर टैब पर जाइए। एंड इसके बाद जाने के बाद यहाँ पे आपको वहाँ पे यूट्यूब ऑन हो जाएगा। एंड यूट्यूब जो है ऑन हो चुका है। अब इसके बाद आप इसमें कोई वीडियो प्ले कर लीजिए, सर्च हिस्ट्री शो होने वाला नहीं है कि आपने कौन कौन सा वीडियो प्ले किया है। अब इसके बाद अगर आप जिस व्यक्ति का स्मार्टफोन लेते हैं उस व्यक्ति के स्मार्टफोन यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ फिर चैनल के लोगों पे यहाँ टर्न ऑफ इग्नोर टैब कर देना है। आप वीडियो जब यूज कर लीजिए काम हो जाए फिर। अब यहाँ पे दूसरा सेटिंग ये आता है कि आप लोग ये सोचते हो कि मैं यूट्यूब पर कितना वक्त बिताता हूँ, यानी यूट्यूब को कौन कौन से टाइम में मैं यूज़ करता हूँ, कितने समय तक यूज़ करता हूँ, ये पता करने के लिए आपको अपने चैनल के लोगों पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद यहाँ पर टाइम वॉच्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद देख सकते हैं यूट्यूब यहाँ पे जीरो मिनट डेली एवरेज, यहाँ पे मैं रोज यूट्यूब को अभी नहीं चलाता हूँ आजकल, तो इसलिए यहाँ पे 0 मिनट दे रहा है, यानी कि मैं लास्ट 7 डेज से यूट्यूब को यूज नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पे 0 मिनट डेली एवरेज लिख रहा है। अगर आप यूट्यूब का यूज करते होंगे ज़्यादातर तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको कितना देर यूज करते हैं, लेकिन मैं फिलहाल 7 दिनों से यूट्यूब को यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे 0 मिनट डेली एवरेज लिख रहा। चलिए आगे सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अक्सर आपको यूट्यूब में ये होता है कि रात के वक्त जब आप अपने स्मार्टफोन को यूज करते हैं, यूट्यूब को यूज करते हैं, तो आपको आंखों पर मतलब कि लाइट होता है जो मतलब हानिकारक होता है, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे अपने चैनल के लोगों पे क्लिक करना है। चैनल के लोगों पे क्लिक करने के बाद यहाँ सेटिंग्स जाना है, सेटिंग में जाने के बाद जनरल पे जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डार्क थीम, यहाँ डार्क मोड इनेबल हो चुका है। अब देख सकते हैं यूट्यूब जो है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, इससे आपको आंखों पर असर नहीं पड़ेगा और आपकी आंख भी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, हम अगले सेटिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो प्ले करते हो या कोई सॉन्ग्स प्ले करते हो तो आपको ये देखने को मिलता है कि वो सॉन्ग्स जब खत्म हो जाता है तो उसकी एंड खत्म हो जाने के बाद दूसरा सॉन्ग ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है। तो ऐसे अगर आप चाहते हैं कि वो सेटिंग को हम बंद कर दें जिससे कि हमारा दूसरा सॉन्ग है ऑटोमेटिक प्ले ना हो, तो इसके लिए अपने चैनल के लोगों पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पे अपने सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे ऑटो प्ले को आपको ऑफ कर देना है। अब इससे ये होगा कि आप भी जब किसी भी सॉन्ग को प्ले कर देंगे एंड उसे छोड़कर चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक से नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला नहीं है जब तक कि आप इसे सेटिंग को इनेबल नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब आप YouTube को ऑन करते हैं, YouTube को ऑन करने के बाद डायरेक्टली आप चाहते हो कि अपनी सर्च हिस्ट्री को पॉज कर दो, जिससे कि आप YouTube पर जो वीडियो प्ले करोगे वो पता चलने वाला नहीं है किसी व्यक्ति को कि आपने अपने YouTube में क्या सर्च किया है, यानी कि सर्च हिस्ट्री शो होगा ही नहीं। तो इसके लिए अपने चैनल के लोगों पर क्लिक करें, यहाँ सेटिंग पर जाएँ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ ऑटो प्ले पर, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हिस्ट्री एंड प्राइवेसी पर जाएँ और यहाँ पे पॉज वॉच हिस्ट्री, यानी कि YouTube पर आप कौन कौन से वीडियो देखते हैं वहाँ पे, यहाँ पे ऑफ कर दीजिए, यानी कि इनेबल कर दीजिए। अब इससे ये होगा कि ये इनेबल हो गया, अब हम YouTube पर कोई भी वीडियो प्ले करें सर्च हिस्ट्री शो होगा ही नहीं। इससे आपके स्मार्टफोन को कोई भी व्यक्ति लेता है तो आपके सर्च हिस्ट्री को जब चेक करेगा तो सर्च हिस्ट्री शो होगा ही नहीं। और चलते ही अगले सेटिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। साथ ही साथ यहाँ वॉच हिस्ट्री है कि आपने क्या देखा, यहाँ सर्च हिस्ट्री है कि आप यूट्यूब पर क्या सर्च करते हैं, इसे भी ऑफ कर दें। इससे ये होगा कि आपने यूट्यूब पर क्या क्या सर्च किया है, कोई व्यक्ति आपके स्मार्टफोन को लेता है और चेक करता है कि आपने यूट्यूब पर क्या सर्च करते हो, वो अभी पता चलने वाला उस व्यक्ति को नहीं है। तो चलिए हम अगले सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला सेटिंग ये है कि जब आप YouTube को यूज़ करते हो तो आपके काफ़ी डाटा यूजेज होते हैं, यानी कि आपका जो डेटा है, यानी कि मोबाइल डेटा काफ़ी ज़्यादा यूजेज होता है। तो इस यूजेज को रोकने के लिए आपको अपने चैनल के लोगों पे क्लिक करना है। एंड आपके चैनल के लोगों पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ जनरल पे आना है। जनरल पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगा लिमिट मोबाइल डाटा यूजेज, इसे इनेबल कर दीजिए। इसके इनेबल करने के बाद आपका जो डाटा खर्च होता है ज़्यादा, वह ज़्यादा डाटा खर्च होना खत्म हो जाएगा, यानी कि YouTube पर आप कोई वीडियो प्ले कीजिए आपका डाटा जो है लिमिट से खर्च होगा, ज़्यादा खर्च नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थे YouTube के कुछ ऐसे सेटिंग्स जो आपके जानने आवश्यक था। तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें।
ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम YouTube से रिलेटेड हर रोज एक नया वीडियो लाते रहते हैं जो आपके काम आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।